अच्छा जी चले। आई होप के क्लियर नजर आ रहा है। सो आज का जो टॉपिक है दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन हाउ टू सेलेक्ट अ मॉडल। अभी तक हमने कुछ एल्गोरिदम पढ़े, अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द मॉडल सिलेक्शन। अगर आपको याद है सो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस कोर्स समवेयर वी टॉक्ड अबाउट के हमारे पास फीचर्स जो है हम हाई ऑर्डर पॉलीनोमियल की तरफ जा सकते हैं, रेगुलराइजेशन यूज करना है वो कैसे यूज किया जाता है, चीजें हमने पढ़ ली कि हर एक चीज का कुछ क्या फायदे हैं क्या नुकसान आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई ऑर्डर पॉलीनोमियल जो है वो आपको बहुत जबरदस्त मैप कर देता है सैंपल्स के ऊपर ही आपका जो हाइपोथेसिस आ जाता है, बट हमने कहा कि उसके ड्रॉबैक ये है कि ओवरफिटिंग भी हो सकती है। फिर हमने कहा कि रेगुलराइजेशन है वो हम उसमें रेगुलराइजेशन पैरामीटर अगर उसको वाइजली आप चूज ना करें, मतलब वो हिट एंड ट्रायल मेथड हम कर रहे थे और हम कह रहे थे कि अगर रेगुलराइजेशन पैरामीटर है उसकी वैल्यू को ऐसा रखा जाए कि अगर वो बहुत छोटी वैल्यू है जीरो के करीब है तो फिर आपके पास अंडरफिटिंग की तरफ आप जाते हैं, और अगर आप उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू रखते हैं ओवरफिटिंग वगैरह की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, तो आज हम देखेंगे कि उनको चूज़ कैसे किया जाता है, फॉर मॉडल सिलेक्शन कैसे की जाती है, समथिंग लाइक दिस। सो सबसे पहले तो डीबगिंग होता क्या है। सो डीबगिंग होता क्या है, आपने वैसे ऑब्वियसली C++ और इस तरह के जो कोर्सेज में प्रोग्रामिंग आप करते हैं सो यू नो के व्हाट एग्जैक्टली डीबगिंग इज। सो बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट डीबगिंग अ लर्निंग एल्गोरिदम, के एक आपने एक एल्गोरिदम जो जिस पे आप काम कर रहे हैं तो उसको डीबग करना, देखना कि वो जो है काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर कर रहा नहीं कर रहा तो क्या वजह उसकी हो सकती है। सो हमारे पास अभी तक जो हम अपने हम एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हैं वो जो कॉस्ट फंक्शन हम यूज करते हैं वो मीन स्क्वेयर्ड एरर को यूज करते हैं, और अगर रेगुलराइज्ड उसकी तरफ आप जाते हैं रेगुलराइजेशन की तरफ तो फिर एक रेगुलराइजेशन पैरामीटर आपके पास होता वो आप साथ में यूज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आप आपके पास ये है और हम नए हमारे पास कुछ डेटा सेट्स है या सैंपल्स आ जाते हैं उस पे अपने मॉडल को चेक करते हैं और उसमें आपके पास बहुत ज्यादा एरर्स आ रही होती है प्रिडिक्शन में। वी टॉक्ड अबाउट इट बिफोर एज वेल कि जो डेटा आपके मॉडल ने नहीं देखा होता उस पे आपके पास एरर्स आ रही होती है। सो अब क्या करना है इसके बाद, so what are the possibility, आप क्या कर सकते हैं, so there are many things, what do you think आप क्या कर सकते हैं, अब error आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा। ये एक exam में शायद question भी आया था जिसमें आपने इसका answer देना था कि क्या करना है क्या करना चाहिए, so हर एक ने कुछ ना कुछ लिखा था। so कुछ आप में से कहोगे कि get more training examples, data set बढ़ा लो, तो just imagine कि मैं वो house जो हाउस की प्राइस जो है वो प्रिडिक्शन कर रहा हूँ और मैंने जो है सर्वे कर लिया है और रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ, मतलब सब डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया है लाहौर का, काफी सैंपल्स ले लिए, अब ये हुआ कि मुझे और वो आंसर सही नहीं आ रहे तो क्या मैं और एग्जांपल्स को कलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, सो हो सकता है माइट दिस माइट हेल्प, ठीक है जी, लेकिन यू आर गोइंग टू वेस्ट लॉट ऑफ टाइम हियर, आपने फिर निकलना है बाहर और फिर जो है मुख्तलिफ जगहों से जो है वो डेटा इकट्ठे करना है और अपने डेटा ट्रेनिंग सेट या डेटा सेट को बढ़ाना है। सो दिस माइट वर्क बट नॉट अ गुड सोल्यूशन दो, वी विल सी के क्या मतलब है इसका। हम ये कर सकते हैं कि वी गो टूवर्ड्स स्मॉलर सेट्स ऑफ फीचर्स, फीचर्स बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा फीचर्स को रिड्यूस करके देख रहे हैं बिकॉज हम ये कहते हैं कि कुछ फीचर्स का फॉर एग्जाम्पल उनका इम्पैक्ट जो है वो हाइपोथेसिस या मेरे आउटपुट पे आ रहा है या प्रिडिक्शन पे आ रहा है,
बट उसका रोल एज सच कोई नहीं है, उससे प्राइसेस पे फॉर एग्जांपल फर्क नहीं पड़ रहा है. इफ आई टेक दिस कोट दिस वन एग्जांपल, तो आपको चीजों की यहां समझ आ रही होगी. फिर ये होगा कि आप ये भी कह सकते हैं कि ट्राई गेटिंग एडिशनल फीचर्स, शायद फीचर्स कम लिए हुए फीचर्स और बढ़ा दूं तो इससे शायद हो जाए, वो शायद की बात है मुख्तलिफ. देन ट्राई एडिंग पॉलिनोमियल फीचर्स के शायद अंडर फिटिंग हो रही है, लेट्स गो टूवर्ड्स हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स और उसमें देखें कि हमारे पास ओवर फिटिंग, तो दैट्स अनदर स्टोरी, बट दैट वुड हेल्प अस इन अवॉइडिंग द अंडर फिटिंग. ठीक है, फिर अगर रेगुलराइजेशन यूज करें तो ट्राई डिक्रीजिंग लेमडा, लेमडा को डिक्रीज करें, उसको जो है जीरो के करीब ले जाए. ठीक है जी, या ट्राई इंक्रीजिंग लेमडा, लेमडा को इंक्रीज किया जाए. तो फिर हमने कहा कि लेमडा जितना आप इंक्रीज करोगे तो हम अंडर फिटिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो हमने कहा था ना, डू यू रिमेम्बर राइट, कि इफ लेमडा इज ग्रेटर तो आपके पास वो जो सारे पैरामीटर्स होते हैं ना बिलोंग्स, ठीक है जी, वो जो आपका पूरा पैरामीटर्स का सेट है, वो सारे पैरामीटर्स जो है उसकी वैल्यू को वो ही सप्रेस कर देता है. और जब वो सप्रेस हो गए तो आपकी जो हाइपोथेसिस होती है उसमें जो, अगर थीटा थीटा नॉट के अलावा, ठीक है, थीटा नॉट इज बिकॉज हम कहते हैं कि ये जो है, अगर उधर देखें जे इज इक्वल टू 1 to m होता है, तो 1 इज रिप्रेजेंटिंग कि थीटा 1 से स्टार्ट हो रहा है. तो ये बाकी जो सारे होते हैं आपके पास x1 x2 जो भी है, लेकिन अगर थीटा 1 है तो इसकी वैल्यू को बहुत ज्यादा ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाते हैं, सो ऑन. यू मस्ट हैव स्टडीड, बल्कि प्रिपेयर भी आज आपने किया होगा इसको फॉर द क्विज एज वेल. जी जनाब, मुझे समझ नहीं आ रही क्या फिर. हाँ हाँ डिसीजन बाउंड्री, पॉलिनोमियल किस तरह इस्तेमाल होते हैं? हाँ नहीं, ये तो आई डोंट नो कि ये तो डिसीजन नहीं, उसके लिए तो नहीं है, ये दोनों के लिए, दोनों भी यूज होता है आपके पास. इनका काम क्या होता है ना, ये जो हायर ऑर्डर पे जितना आप जाते हैं ना, तो हायर ऑर्डर का मतलब ये है कि आप जरा ग्राफिकली देखें इसको, कि आप एक इक्वेशन उठाएं जो लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर में यू हैव, यू माइट गेट अ लाइन लाइक दिस, लाइक सम अदर वे अराउंड. ठीक है जी, अगर आपके ये सैंपल्स हैं फॉर एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल, तो ये लाइन आपका अगर आप राइटली इसको ड्रॉ करते हैं तो ऐसा होगा. अगर आप सेकंड ऑर्डर जाते हैं तो सेकंड जो आपके पास होता है ना, वो तो शेप उसकी यू होती है ना, या यू होती है, ठीक है ना, कहीं से स्टार्ट होकर फिर यू डाउन जा रही होती है. ठीक है, सो आपके पास अगर वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो शायद यू आ जाए, बेस्ट फिट की बात कर रहा हूँ, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक है बेस्ट फिट. फिर थर्ड ऑर्डर पे जाते हैं तो शायद इसकी ये हो जाए शक्ल. ठीक है, तो अब देखें तो ये जितना आप बढ़ाओगे ना इसको हायर ऑर्डर की तरफ, तो इफ आई ड्रॉ इट विद ब्लू तो शायद ये ब्लू चला जाए, तो तकरीबन हर एक सैंपल से ये गुजर जाए, तो आपकी जो हाइपोथेसिस होगी वो ये लाइन होगी जो आपको यहाँ पे जो कर्व कर्व किस्म की लाइन नजर आ रही है. तो आपको इनपुट इसको देना होगा, कुछ प्रिडिक्ट करना हो. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि एक्स की वैल्यू जब ये हो तो वाई की वैल्यू क्या होगी, तो आप मुझे बता सकते हो कि ये होगी, ठीक है ना. तो इसके इसके ताल्लुक उसके साथ नहीं है कि ये डिसीजन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या रिग्रेशन मॉडल को आप वो कर रहे हो. टोटली कैसे इसको, अगर वो क्लासिफिकेशन है तो कैसे सेग्रीगेट करना है, सेपरेट करना है एक दूसरे से, ये प्रॉब्लम है, तो इसमें कैसे इसको सब सैंपल से गुजारना है. ठीक है, ऑलराइट जी. सो मशीन लर्निंग डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक बेसिकली होता क्या है, डीबगिंग एक होता है, फिर डायग्नोस्टिक उसका हल निकल ढूंढना. ठीक है, आपने डीबग कर दिया प्रॉब्लम को कि ये प्रॉब्लम्स है, और अब उसके लिए कोई डायग्नोज करना कि उसके लिए क्या इनसाइट जरा करना प्रॉब्लम की, उसको देखना कि क्या प्रॉब्लम है और इनको
क्या किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए. सो डायग्नोस्टिक अ टेस्ट दैट यू कैन रन टू गेन इनसाइट व्हाट इज इजंट वर्किंग विद अ लर्निंग एल्गोरिथम एंड गेन गाइडेंस एज टू हाउ बेस्ट टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस. ठीक है जी. फिर डायग्नोस्टिक्स कैन टेक टाइम. डायग्नोस्टिक आफ्टर टाइम लेता है बट इन द एंड ये आपको बहुत ज्यादा वो उससे बचा लेता है आपके मतलब ऑब्वियसली अगर आप इन इन चीजों को करने निकलो कि एक एक को ट्राई करो कि सबसे पहले एग्जाम्पल्स को बढ़ाओ काम नहीं चला फिर फीचर्स को कम करो फिर ज्यादा करो फिर हायर ऑर्डर पॉलीनोमियल्स पे जाओ. सो दिस इज अ वेरी लेंथी जॉब एंड वेरी टायरिंग जॉब. ऑन द अदर हैंड इफ यू अप्लाई डायग्नोस्टिक्स आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. ऑलराइट जी. सो नाउ लेट्स सी कि अपने हाइपोथेसिस को आप एवेलुएट कैसे कर सकते. अच्छा ये चीजें ध्यान में रखनी है. ठीक है ना. ये जो हमने कुछ चीजें डिस्कस की है बिकॉज वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईच वन ऑफ दीज सेपरेटली के हमारे पास फॉर एग्जांपल हायर ऑर्डर पॉलीनोमियल की तरफ हम जाते हैं हायर डिग्री उसकी तरफ इक्वेशंस की तरफ तो उससे क्या होता है एंड लैम्डा के इंक्रीज या डिक्रीज होने का वो कैसे हम देख सकते हैं एंड सारा कुछ ऑटोमेटिकली वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. सो एवेल्युएशन कुछ चीजें हमने इसमें की हुई हैं पहले से. सो वील क्विकली गो थ्रू इट और जो नहीं की हुई सो वील टेक टाइम ऑन दोज. सो एवेल्युएटिंग योर हाइपोथेसिस सो कैसे एवेल्युएट किया जा सकता है. So we know ke let's start with the data set that you are having. So aapke paas for example is tarah ki situation and let's quickly go through what we have done already. Now we say overfitting a problem we have a higher order polynomial so we get our hypothesis something like this. So black mein aapko nazar aa raha hai और हम कहते हैं कि इतना अच्छा इधर कॉस्ट फंक्शन कॉस्ट आपके जो कॉस्ट या एरर जो है वो इतना कम मिल रहा है बट स्टिल यू आर गेटिंग व्हेन यू डिप्लॉय ऑन द आउटसाइड समवेयर या रियल एग्जांपल इसको मिलती है तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम. ठीक है जी. सो सबसे पहले अपने डेटा सेट को हमने लास्ट टाइम इसकी बात की थी कि हम क्या कहते हैं ट्रेनिंग सेट और टेस्ट सेट. रिमेंबर 70% 30% हमने उधर बात की 2x3 1x3 इसका भी बात की थी. ठीक है. सो हमारे पास हम अपने डेटा सेट को शफल करें. शफल करने के बाद ट्रेन करें मॉडल को ऑन द 70% ऑफ योर डेटा सेट एंड देन टेस्ट का आपको पता है और मशीन को नहीं पता तो आप इधर बेहतर अपने मॉडल को जज कर सकते हैं. ठीक है जी. सो दिस वाज व्हाट वी हैव रेड प्रीवियसली. All right, now. So, अब कैसे किया जा सकता है? We also have talked about it कि अगर linear regression model है, तो आपने हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा cost function था, एक हो जाएगा j train अगर हम उसको train का नाम दे दें. ठीक है जी. एक आपके पास हो जाएगा जे टेस्ट. ठीक है. अच्छा अब आपने शुरू में क्या करना है मतलब ये मॉडल के उसके जो हम उस पे आ रहे हैं कि कैसे किया जाता है. सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो आपका हाइपोथेसिस है ठीक है थीटा ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल है आपने कोई रैंडम पैरामीटर्स लिए और उस रैंडम पैरामीटर्स को आपने जो है अपने हाइपोथेसिस मॉडल को दिए. ठीक है जी. जो भी हाइपोथेसिस आपने है किसी भी ऑर्डर का है किसी भी शक्ल की इक्वेशन है. अच्छा फिर आपने क्या किया कि उससे आपने पहले और कॉस्ट को फाइंड कर रहे हैं कॉस्ट ये जो जे ट्रेन हम बात कर रहे हैं क्योंकि ट्रेनिंग डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है तो अगर जे ट्रेन जो है उसकी उसकी इक्वेशन कैसे होगी तो जस्ट ये जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है इसमें ये टेस्ट की जगह ट्रेन कर रहे हैं. सिंपल वही इक्वेशन है जो आपने इससे पहले पढ़ी है जस्ट जहां पे आपको टेस्ट इधर नजर आ रहा है ट्रेन कर दे पहले कुछ नहीं होता था अब ट्रेन और टेस्ट आएगा साथ में लिखा हुआ और आप इसको फाइंड करें और
जहां पे इसकी वैल्यू को मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है ना, तो ये वैल्यू मिनिमाइज करे आपको इधर मिल गया, फिर पैरामीटर्स आपके ट्यून हो गए, थीटा नॉट थीटा वन या जितने भी है डॉट 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 वो सारे फाइन ट्यून हो गए आपको मिल गए। अब जब ये मिल गए, अब आपने आपका काम नेक्स्ट ये है कि इन पैरामीटर्स की वैल्यू को उठाना है और 1/2 n ये जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है जे टेस्ट, इधर आपने देखना है, इधर आपने अप्लाई करना है कि आया इस पे भी मुझे वैल्यू कम मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि इसके राइट आंसर्स आपको पता है, बिकॉज यू नो यू सी हियर के टेस्ट सेट के राइट आंसर्स आपको पता है, बट मशीन इज ट्रेन्ड ऑन दीज वैल्यूज द ट्रेनिंग सेट ओनली, वो तो इस पे ट्रेन हुई ना, उसके जो पैरामीटर्स आपको मिले थीटा नॉट थीटा वन ये जितने भी पैरामीटर्स हैं ये आपको मिले हैं बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट दैट यू हैव, द ट्रेनिंग सेट के आंसर्स आपको भी पता थे, मशीन को भी पता थे। फिर आपने क्या किया कि ट्यून हो गया, फिर आपको आप मशीन को ये वैल्यूज देते हैं एक्स की वैल्यूज या इनपुट की वैल्यूज देते हैं एंड इट गिव्स यू द आउटपुट बेस्ड ऑन योर इक्वेशन हाइपोथेसिस। अब आप चेक करते हैं कि आया वो इसके करीब आ रही है या नहीं आ रही, समझ आ रही है आपको? So, इससे आपको पता लग जाए कि हाउ वेल इज इट परफॉर्मिंग। इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग आप यहाँ पे क्या करते हैं, बेसिकली इस कॉस्ट को देखते हैं कि क्या ये जो मेरे पास जो इक्वेशंस आई है या जो पैरामीटर्स मैंने ट्यून किए इसकी बेस पे मुझे जे टेस्ट की वैल्यू भी कम मिल रही है या नहीं मिल रही, इस बात की समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूं कि नहीं? देखिए एक होता है ना आपके पास, फॉर एग्जाम्पल इफ आई ड्रॉ इट दिस वे के एक मेरे पास है दिस इज द एरर या इसको आप कह सकते हैं कॉस्ट जो भी है जी ऑफ थीटा, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे हम कहते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल जो भी है, हम कहते हैं कि जब हमारे पास जे ट्रेन था ट्रेनिंग जो सेट था उसका जो एरर है वो आपको काफी ज्यादा मिल रहा है, फॉर फॉर एग्जांपल द सिनेरियो इज अंडर फिटिंग, तो डी इज इक्वल टू वन जब पॉलिनोमियल ऑर्डर वन है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वन है, ठीक है, काफी ज्यादा एरर आपको मिल रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यू हैड अ सेट लाइक दिस something like this, आपने अगर ये किया तो आप देख रहे हैं कि आपको काफी एरर मिल रहा है, इधर से भी पता लग रहा है स्क्रीन पे जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। फिर आपने क्या किया कि आप इसको ट्यून करते गए, मतलब ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इस लाइन को कभी हम नीचे की तरफ ला रहे हैं, कभी ऊपर की तरफ ला रहे हैं, स्लोप इसका कभी चेंज कर रहे हैं, कभी इसका वाई इंटरसेप्ट चेंज कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके पास एरर जो है जगह पे मिनिमाइज हो गया, जीरो पे नहीं पहुंच सकता बिकॉज सब सैंपल से तो वो नहीं गुजर सकता, तो मिनिमाइज हो गया, बट मिनिमाइज कितना हो गया वो भी काफी ज्यादा एरर है आपके पास। फिर आपने क्या किया, इधर जो आपके पास ट्यून्ड हुए आपको जो वैल्यू मिली थीटा नॉट और थीटा वन के जो पैरामीटर्स आपको मिले, तो आपने क्या किया कि इन पैरामीटर्स को उठाया और इनको जे टेस्ट जो है उस पे आपने अप्लाई किया, मतलब 1/2 m, ठीक है जी, कितने m क्या है इधर अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल ये 3 है, 1/2 × 3 हो गया, और फिर आपने समेशन i इज इक्वल टू 1 to m और आपने क्या किया, फिर आपने ये हाइपोथेसिस, तो हाइपोथेसिस आपको पता है थीटा नॉट आप फाइंड कर चुके हैं, थीटा नॉट प्लस थीटा वन भी आप फाइंड कर चुके हैं, और x x आपको गिवन है, ये आपको सेट में गिवन है 1/4 2/7 है फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, ये आपने यहाँ पे यूज किया, और फिर आपने किया माइनस जब वन वो है 1/4 2/7 है तो ये है 199, ठीक है आपको नजर आ रहा है ना स्क्रीन पे 199 है, और इसका फिर आपने स्क्वायर लिया, ठीक है जी, फिर प्लस मतलब इसको ओपन करें ना, ये तो मैंने इस तरह y लिख दिया, इधर y मैं लिख देता हूँ जनरलाइज, आप इसको i को ओपन करें और फिर इसको करें, तो आप देखेंगे आपने फिर ये देखना है
कि अब जो मुझे जे टेस्ट मिला है, क्योंकि इधर मैं ये अप्लाई कर चुका हूँ पैरामीटर्स थीटा नॉट और थीटा वन जो मैं फाइंड कर चुका हूँ, तो अब मैं जरा यही देखता हूँ कि ये जो जे टेस्ट है क्या इसकी वैल्यू भी मुझे कम मिल रही है या ज्यादा मिल रही है। तो होना ये चाहिए कि अगर जे टेस्ट ट्रेन की वैल्यू कम मिल रही है वो आपको एरर मिनिमाइज कर देता है, तो बेहतर ये होगा कि जे टेस्ट पे भी आपको वो कम मिले। तो अगर ये मुझे ज्यादा मिल रहा है और ये भी ज्यादा मिल रहा है, दिस इज नॉट गुड। अगर ये मुझे कम मिल रहा है ट्रेनिंग डेटा का एरर मुझे कम मिल रहा है, लेकिन जब मैं उसको वैलिडेट करता हूँ या टेस्ट सेट में अप्लाई करता हूँ तो उसका कॉस्ट मुझे ज्यादा मिल रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। सो आई शुड बी समवेयर इन बिटवीन समवेयर हियर, कि जहां पे मुझे दोनों की वैल्यू बस रीजनेबल हो, दोनों करीब करीब हो, दोनों कम भी हो, तो वो सबसे बेस्ट एरिया होता है आपके मॉडल की के ट्रेनिंग के लिहाज से कि वो बेहतर ट्रेन हो गया। ऑलराइट जी, सो ये तो हो गया फॉर द लीनियर रिग्रेशन, आप इस तरह करोगे। फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन इट विल बी, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में वी नो इट्स अ स्क्वेयर्ड एरर, हमें कॉस्ट की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो ये होती है। फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसमें कॉस्ट की इक्वेशन, इफ यू रिमेंबर इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो इधर आपने जो है सिंपल इसका ये वाली इक्वेशन यूज कर लेनी है फॉर टेस्ट एंड ट्रेन एज वेल, इधर टेस्ट की जगह ट्रेन हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक, कुछ समझ आ रही है बातों की कि नहीं, मेकिंग सेंस? ठीक है, वेरी गुड। ऑलरेडी, अच्छा तो एक और तरीका भी है चेक करने का। एक तो ये तरीका हो गया ना कि आपने ट्रेन किया मॉडल को, ट्रेनिंग डेटा उठाया, पैरामीटर्स ट्यून किए और उसको अप्लाई किया, कॉस्ट निकाला जे ट्रेन और फिर जे टेस्ट, दोनों को कंपेयर किया कि दोनों की वैल्यू कम आ रही है या नहीं आ रही। कम आ रही है दोनों की वैल्यू, उससे मजीद कम नहीं हो सकती है दोनों की, तो आप कहते हैं यहाँ ये बेस्ट पैरामीटर्स है। अच्छा, एक और तरीका ये हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग कॉस्ट यू गो फॉर इट्स कॉल्ड मिस क्लासिफिकेशन एरर, मतलब ये 0-1 की बात होती है, इट्स अ बाइनरी टोटली, मतलब आप कहते हैं कि आइदर द आंसर इज इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन, राइट? ठीक है जी, लीनियर में नहीं, इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन यू से 0-1 मिस क्लासिफिकेशन एरर भी इसको कहते हैं। सो इन दिस व्हाट एक्चुअली यू डू कि आप जो है यू फाइंड आउट द एरर, आप एरर को रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ठीक है जी, और आप जो है 0 से नो एरर को रिप्रेजेंट करते हैं। मींस मतलब ये है कि आपको जो है फॉर एग्जांपल एरर की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल मिलेगी इफ योर हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन 0.5। कुछ समझ आ रही है बात की? हम क्या कहते हैं कि अगर सिग्मोइड फंक्शन है ना, तो 0.5 आपके पास, और ये सिग्मोइड हम कहते हैं कि यू है, हम कहते हैं कि इफ हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन, यर माय एच थीटा ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0.5, सो हम कहते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। आप बिल्कुल इसको बाइनरी वो कर दे, ठीक है जी, कि ये इससे इसके इक्वल या इससे ग्रेटर आएगा तो मैं कहूंगा कि 1 है। लेकिन एरर कब होगा? जब आपके पास ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 हो और आपको आंसर मिल रहा हो 0। समझ आ रही है बात की? ट्रू ट्रू, ये ट्रू कब है? ट्रू ये तब है जब हाइपोथेसिस की वैल्यू इज 0.5 एंड आपकी, मतलब ऑब्वियसली इन बाइनरी क्लासिफिकेशन यू हैव आंसर्स डिस्क्रीट आउटपुट्स, है ना, या 0 है या 1 है। तो अगर आपके पास एच थीटा ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5, सो यू से के इट्स equal to 1, ठीक है, yes, it's yes। अच्छा, लेकिन अब आपको error equal to 1, error कब equal to 1 होगा? वो तब होगा जब आपकी hypothesis greater than 0.5 है, but the output you are getting is 0। नहीं यार, समझ है? आज आप लोग की हालत बड़ी खराब है, सब सबको मैं देख रहा हूँ, सब कोई भी इस तरह नहीं है जो फ्रेश बैठा हो बहुत ज्यादा है। क्या वजह है? क्विज से परेशान है क्या?
क्विज आसान दे देंगे, कोई क्विज की टेंशन ना ले, सीखे कुछ, क्विज तो चलते रहते हैं। अभी कितने क्विज दे दिए होंगे आप लोगों ने, ये आठवां सेमेस्टर है, जरा गिन लेना, जरब दे दे। तो उसकी टेंशन तो अभी नहीं होनी चाहिए ना। अच्छा चले, तो ये मिस क्लासिफिकेशन ये है कि एरर की वैल्यू है इट्स 1 इफ हाइपोथेसिस ग्रेटर देन 0.5 वेयर एज यू गेट y इज इक्वल टू 0। हाइपोथेसिस 0.5 है लेकिन y 0 आ रहा है, हाइपोथेसिस की वैल्यू लेस देन 0.5 है लेकिन y 1 आ रहा है। अब ये दोनों सिचुएशन है एरर एरर का, इसमें फिर 0 अदरवाइज एरर नहीं होगा जब आपके पास hypothesis is greater than 0.5 when you are getting y is equal to 1, and hypothesis is greater than is less than 0.5 and you are getting y, it is predicting y is equal to 0. So if ye aapke paas aa gaya, isse collection aa gaya aapke paas ones and zeros ka, one matlab har sample ke 1 1 zeros matlab jitne bhi hai, theek hai, aapko bahut se answers mil gaye, aapko ones and zeros ki ek badi si list aapko mil gayi, uska average le le और वो एवरेज आपको बताएगा कि कितना एरर है आपके आपके डेटा में, तो मैं जो मॉडल है उसमें कितना एरर है, इसको कहते हैं टेस्ट एरर। ठीक है, सो आई थिंक लाइक नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द क्विज, वी शुड स्टॉप हियर। यहां तक कुछ समझ आ गई है? अच्छा, बिकॉज हम जो अगली आखिरी क्लास है, वी विल ट्राई टू फिनिश दिस होल जो ये आज का टॉपिक है ना, मॉडल सिलेक्शन, बिकॉज दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम जो अपकमिंग आपका होने वाला है। ठीक है जी, चलो, वेरी गुड। चलिए चले इसको देखते हैं। ठीक है, लास्ट हमने सुबह जो किया वो था इवेल्युएशन तक। ठीक है जी, यहाँ तक हमने किया और इवैल्यूएशन में हम गए, इसके लास्ट जो हमने देखा वो मिस क्लासिफिकेशन एरर। हमने कहा कि आप एरर जहां पे हो, मींस के वो गलत आंसर आपको दे क्लासिफिकेशन में, मतलब क्लासिफिकेशन में आपके पास मिस डिटेक्शन, नाम सुना हुआ ना मिस डिटेक्शन का, या मिस जजमेंट हो गई, या मिस क्लासिफिकेशन इस केस में कहेंगे, या जिस तरह हम कहते हैं कि ट्रू पॉजिटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव्स, ट्रू नेगेटिव्स, फॉल्स नेगेटिव्स, ये नाम सुने होंगे ना आप लोगों ने। ठीक है ना, तो ये आपके पास इसे कहते हैं मिस क्लासिफिकेशन, यू गेट द रॉन्ग आंसर। आपको आंसर पता है, आपने मॉडल को ट्रेन कर दिया, आंसर आपको पता है, और आप आंसर आप और वो आपको गलत आंसर बता रहा है, तो जब वो गलत आंसर बताएगा सो यू विल से कि उसका वो वन हो जाएगा। ठीक है जी, फिर उसने आपने फिर उसको इनपुट दिया और आपको आंसर पता है कि इसका आंसर जो है वो ये होना चाहिए, मींस के कुछ भी होना चाहिए, वन या जीरो होना चाहिए, अगर क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो आपको गलत आंसर दे रहा है तो ये प्लस वन, जहां मतलब इनको करते जाओ। ठीक है जी, गलत आंसर दे रहा है, एरर दे रहा है, गलत आंसर को मैं एरर कह रहा हूँ, तो वन वन फॉर एग्जाम्पल सही आंसर दे दिया, पांच सैंपल है आपके पास, फिर गलत आंसर दे दिया, फिर सही आंसर दे दिया, तो आपने क्या कर देना है, इसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स कर देना है 5। ये नीचे जो इक्वेशन नजर आ रही है, ठीक है जी, टेस्ट एरर, तो मैं जो टेस्टिंग कर रहा हूं इसमें कितना परसेंट एरर है, तो ये परसेंटेज में तो आंसर नहीं जाएगा, ये आपको इन जीरो इससे जो भी आंसर आया, फॉर एग्जांपल ये 3 डिवाइडेड बाय 5 क्या आता है, 0.6। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 0.6 इज इक्विवेलेंट टू 60% जो है आपको एरर मिल रहा है। So, ये इस तरह आप कर सकते हैं, इससे पहले वाला वो कॉस्ट के रिलेटेड था, उस तरह भी आप देख सकते हैं अपने मॉडल को कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। अब चलते हैं मॉडल सिलेक्शन पे। मॉडल सिलेक्शन में हमने कहा कि ओवरफिटिंग, फॉर एग्जांपल कि आप जो है किसी डेटा पे काम कर रहे हैं और डेटा जो है वो हाई ऑर्डर पॉलीनोमियल है और उसमें आपके पास ओवरफिटिंग हो रही है, ओवरफिटिंग आपको पता नहीं लग रहा, आप जो है उसको जो है मॉडल ट्रेन कर दिया और फिर जब आप उसको टेस्ट डेटा पे चलाते हैं, टेस्ट डेटा पे नाउ रिमेंबर, ठीक है, हमने लास्ट टाइम क्या कहा था कि आपके पास एक ट्रेन डेटा है, एक है टेस्ट डेटा, ठीक है जी,
ट्रेन डेटा इज ऑलमोस्ट 70% ऑफ योर डेटा और ये 30%. रिमेम्बर कि यू नीड टू शफल ऑल द डेटा इनिशियली, फिर उसके बाद उसको ऐसे तकसीम करना. तो आपने क्या किया कि ट्रेन किया और ट्रेन में यहाँ पे आपको जो है बड़ा बेहतरीन जो है कॉस्ट जो है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, बहुत कम कॉस्ट मिल रहा है. एरर भी कह सकते हैं, कॉस्ट विच एवर इज ईजी फॉर यू. दोनों मैं जब भी कहूँ तो आप समझ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. फिर आपने टेस्ट सेट लिया जो 30% है और उसकी जो इनपुट्स है एक्स और वाई आपको पता है. आप ये एक्स की वैल्यूज दें हाइपोथेसिस को और फिर देखें कि आपको वो वाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा. या आप ये भी कर सकते हैं कि कॉस्ट को देखो कि कॉस्ट ऑफ टेस्ट जो है वो क्या है. आप यहाँ के एक्स और वाई उठाएं और इधर जो आपको ये जो कॉस्ट है उसको वो वैल्यूज दे यूजिंग द पैरामीटर्स जो ट्यून हो चुके हैं वो आप दें और फिर देखें कि ये क्या ये भी आपको कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा. अगर ये वैल्यू कॉस्ट टेस्ट जो है ये आपको कम वैल्यू नहीं मिल रही बल्कि इधर कम मिल रही है और ये टेस्ट ट्रेन ये टेस्ट जो है या एरर इन जो आपको मिल रहा है इन टेस्ट सेट वो आपको कम मिल रहा है इसमें ज्यादा मिल रहा है, तो हमें पता है कि ये कौन सा प्रॉब्लम है. हाँ, ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम है और जिसे हम कहते हैं अभी आप देखेंगे भी जैसे कि हाई वेरिएंस भी जिसे कहा जाता है. ठीक है जी, ऑलराइट. अब जरा एक चीज देखते हैं. हम कहते हैं यही जो बात मैंने यहाँ पे लिखी फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम के यू स्टार्ट. अब जरा देखते हैं मॉडल सिलेक्शन में. मैंने शुरू में आपको कहा कि वो स्लाइड याद रखिएगा. इन मॉडल सिलेक्शन लेट्स फाइंड आउट कि विच ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमियल शुड आई यूज. ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट विद ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमियल. मैं कैसे सिलेक्ट करूंगा जो मेरे पास पॉलीनोमियल यही स्पेलिंग होते हैं क्या मॉडल अपने उसमें देखना है कि कौन सा जो है ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमियल इज मोर सूटेबल फॉर माय डेटा. जो मेरे पास डेटा है उस पे कौन सा ज्यादा सूटेबल है. सो what you need to do is that you should have the equations. If you look at the screen there, I should not write it on the board if it's there. Hey, this is order one, pehla wala zara dekh. Second order, third order, for example, 10th order polynomial tak aap bahut zyada data nahi hai to aap ya bahut zyada bhi hai 10th order is a big thing. Theek hai ji, so aap 10th order tak chale gaye. Now I have to choose which one among them is better. और वो मुझे जो है overfitting की तरफ भी नहीं लेके जा रहा, underfitting की तरफ भी नहीं लेके जा रहा, और वो बेहतर भी है और वो मुझे cost भी reduce करके दे रहा है. So मैं क्या, let's assume कि आपने जो है आपको पहला काम क्या होगा. मेरा पहला काम ये होगा कि for all these 1, 2, 3 जो आपको उधर नजर आ रहा है 4, 5 up to 10 मैं सबसे पहले मेरे पास हाइपोथेसिस की इक्वेशन है इसकी ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमियल मुझे पता है. मैं सबसे पहले क्या करूंगा पैरामीटर्स को ट्यून करूंगा फॉर ऑल दीज. लेट्स कॉल इट थीटा नॉट ऑफ लेट्स से 1 थीटा या थीटाज ऑफ 1 इस तरह कह दें थीटाज ऑफ 2 2 इज रिप्रेजेंट 1 एंड 2 इज रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमियल. ठीक है जी, अप टू थीटाज ऑफ 10 फॉर एग्जाम्पल. मैंने ये सब ट्यून कर लिए. ये वो आपको वो हैसल से बचा रहे हैं हम. ये जो हम काम कर रहे हैं ना ये उस हैसल से बच रहे हैं कि क्या मुझे और डेटा की तरफ जाना चाहिए कि मैं जाऊं डेटा और डेटा जो है वो और डेटा कलेक्ट करूं. इससे अच्छा नहीं है कि कुछ डायग्नोस्टिक्स कर लूं. तो ये डायग्नोस्टिक्स हो रही है. तो 10th ऑर्डर तक मैं गया, मैंने पैरामीटर्स को ट्यून किए. अच्छा, हो गया ट्यून. इनकी बेस पे मुझे कुछ जे जो मेरे पास ट्रेन है जे ट्रेन की बेस पे ये ट्यून हुए ना. जे ट्रेन की वैल्यू मिनिमाइज आई जब ये मिनिमम हुई उस टाइम मैंने देखा कि मेरे पास पैरामीटर्स की वैल्यू क्या है. इन दिस केस द फर्स्ट वन आई विल बी गेटिंग थीटा नॉट एंड थीटा 1 फॉर द रेस्ट थीटा नॉट थीटा 1 थीटा 2 यहां पे थीटा पैरामीटर 10 पैरामीटर्स होंगे. ओके,
10+1 एक थीटा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये हुआ। अब क्या करना होगा मुझे कि ये हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या करना होगा कि यही जो मेरे पास पैरामीटर्स जो ट्यून्ड हुए हैं उनकी वैल्यूज को मैंने उठाना है और जे टेस्ट जो है उस पे मैंने अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। सो सर इसको पढ़े कि जो मैं कह रहा हूँ, आई होप कि इट विल मेक सेंस। लेट्स अज्यूम दैट वी चूज फिफ्थ ऑर्डर पॉलीनोमियल, उस पे हमारे पास बिकॉज वी गेट वेरी लो वैल्यू ऑफ जे ट्रेन। सो अब ये देखना है कि हाउ द मॉडल इज गोइंग टू जनरलाइज फॉर अदर एग्जाम्पल्स, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यही जो फिफ्थ नंबर जो हमारे पास जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल हमें इस पे सबसे कम वैल्यू मिली जे ट्रेन की, इससे भी जे ट्रेन की वैल्यू आ गई, इससे भी आ गई, सबसे आ गई, ये जे ट्रेन वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये है जे ट्रेन फाइव। ये जे ट्रेन फाइव बड़ा जबरदस्त आ गया, इसकी वैल्यू अगर मैं इस सब वैल्यूज को कंपेयर करूं, सबसे कम कॉस्ट जो मुझे वैल्यू मिल रही है कॉस्ट फंक्शन की, वो मुझे फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ ऑर्डर पॉलीनोमियल वाला जो है उसकी मिल रही है। अब इसमें मेरे पास क्या हुआ, इसके पैरामीटर्स मैं उठा लूंगा, थीटा फाइव जो है वो मैं उठा लूंगा और मैं क्या करूंगा उसके साथ, उसको मैं यहां पे इंसर्ट कर दूंगा टू जे टेस्ट, ठीक है। एक जे टेस्ट को देना पड़ेगा इसको, ठीक है। सो अब जे टेस्ट भी आया, वो वैल्यू भी कम है या नहीं है, वो वैल्यू भी लो वैल्यू आ रही या नहीं आ रही, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भी लो आए, हो सकता ये है कि ये वैल्यू जो है वो ज्यादा भी आ जाए। सो दिस इज नॉट अ गुड एप्रोक्सीमेशन, इसका मतलब ये हुआ कि हमें जे ट्रेन जे टेस्ट ये हेल्प नहीं कर रहा है, हमें जो है इसके अलावा कुछ और भी लेके आना होगा अपने डेटा सेट को टेस्ट करने के लिए, या अपने मॉडल को जो ट्रेंड मॉडल है उसको टेस्ट करने के लिए। सो वो क्या होगा, हम कहते हैं कि अब जो है सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप अपने ट्रेनिंग जो डेटा है उसको तीन हिस्सों में तकसीम करो। हाँ, आपके पास एक ट्रेनिंग सेट हो जिस पे आप मॉडल को ट्रेन करें, दूसरा आपके पास हो वैलिडेशन सेट या क्रॉस वैलिडेशन सेट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, ठीक है, वो आपके पास हो, और एक टेस्ट सेट हो सबसे आखिरी जिस पे आप मॉडल को टेस्ट, ठीक है। सो रफली 60-20-20 परसेंटेज वाइज आप इस तरह इसको डिवाइड करेंगे। सो अब इससे ये होगा कि आपके पास अगर मैं कॉस्ट इसकी वैलिडेशन ट्रेन वैलिडेशन और टेस्ट एरर को देखूं, सो वही आपके पास स्क्वेयर एरर का फॉर्मूला है, वही है एग्जैक्टली, ठीक है जी, ट्रेन के लिए भी, क्रॉस वैलिडेशन के लिए भी, टेस्ट के लिए भी। अब जो मुझे यहाँ पे काम करना होगा वो ये करना होगा, I'll do exactly the step which I'm doing here. इस जे ट्रेन की वैल्यूज को मैं फाइंड करूंगा सबसे मिनिमम कौन सा है, इसके बाद मैं क्रॉस वैलिडेशन में देखूंगा कि आया जो मुझे इसमें मिनिमम मिल रहा है क्रॉस वैलिडेशन में भी वो मिनिमम है या नहीं है, अगर वो उसमें मिनिमम है फिर मैं उसको चेक करूंगा ऑन द टेस्ट एरर, उसका टेस्ट एरर कि वो उसमें भी मिनिमम आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है जी। सो अगर इसमें कहीं पे भी हमारे पास वो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू कम है इन द ट्रेन, जे ट्रेन की वैल्यू या जो ट्रेनिंग एरर है वो कम है लेकिन आपके पास वैलिडेशन में ज्यादा आ रहा है, तो देन वी हैव टू लुक फॉर सम अदर वेज टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, फिर इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है जी। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन, अगर ये फॉर एग्जाम्पल वही हम यही केस दोबारा देखते हैं, लेट्स अज्यूम दैट वी गेट अ मिनिमम क्रॉस वैलिडेशन एरर ऑन पॉलीनोमियल ऑर्डर 4, अभी द क्रॉस वैलिडेशन भी आ गया है JCB, ठीक है जी, इस तरह मैं कर लेता हूँ। हम कह देते हैं कि आपने ट्रेन किया, आपने फिर जो है मॉडल को इधर आपने ट्रेन किया और फिर आपने इन पैरामीटर्स आए, आपको इससे पहले हमारे पास पैरामीटर्स नहीं थे, हम जे ट्रेन और उसका जो एग्जैक्टली जो टेस्ट होता था वो देखा जाता था, अब हम ये नहीं कर रहे, अब हम ये कर रहे हैं, अब हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास ट्रेन हो गया, फिर ये अगर मैं इस तरह JCV ये कॉलम इसकी है JCV, ठीक है जी, तो फिर हम क्या करते हैं कि यही पैरामीटर्स उठाए
और उस पे हमने JCV की वैल्यू सबके लिए निकाल ली क्रॉस वैलिडेशन पे, और फिर हमने देखा कि इसमें जो सबसे, फॉर एग्जांपल हमने पिक किया कि नाउ द फोर्थ ऑर्डर जो है वो क्रॉस वैलिडेशन में सबसे कम आपको एरर दे रहा है, तो फिर हम इसके अगेंस्ट जो जे टेस्ट होता है वो चेक करते हैं। तो समझ आइए बात की है। अगर जे फ्रेम नहीं, तो वो फिर आपने देखना, फिर आपने वो करना होगा ना, ये यही तो आपने देखना है ना कि क्यों इस तरह है, फिर इसका मतलब कि ये मसला तो इसका नहीं है, कुछ और मसला है। होना तो ये चाहिए कि मिनिमम अगर ये इसमें आ रहा है, ट्रेन वाला इसमें आ रहा है, तो क्रॉस वैलिडेशन का भी उसी में आना चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज फिर हमारे पास वो हाई, वो बायस और वेरियंस के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं इसमें, वो अभी हम देखेंगे यहाँ पे ना। मैं आपको एग्जांपल ये भी कुछ कर्व्स दिखाऊंगा, उससे हमें पता लग जाएगा कि यार ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि दोनों का हमें जो राइट चूज करना है कि जहाँ पे दोनों का मिनिमम हो वो पॉइंट उठाना है हमने। जी हाँ, तो पैरामीटर्स तो वही यूज करेंगे ना। नहीं लेकिन नहीं, हमने हमने उसके वो उठाए ना, पैरामीटर्स तो वही उठाए जो उसके मिनिमम है, और फिर हमने उसको जेसीवी के जो इक्वेशन है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किधर गया, ठीक इधर वो आपने वो पैरामीटर्स यूज कर लेते और वाई की वैल्यू जो है हमारे पास, हाँ एग्जैक्टली वही पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। नहीं, एग्जैक्टली आपने इस पे कम आया तो आपने इधर जाना है और देखना है कि इस पे भी आपके पास वो मिनिमम मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है, एग्जैक्टली वही होगा। हाँ जी, सबके लिए करनी पड़ेगी ना ऑब्वियसली। हाँ लेकिन जो ट्रेन होता है वो तो सिर्फ आपको पैरामीटर्स फाइंड करके देता है ना, पैरामीटर्स आपने एक बार फाइंड कर लिए कि मिनिमम मुझे इसमें मिल रहा है, फिर चेक करना है उसको क्रॉस वैलिडेशन पे आया उस पर भी मुझे वो मिनिमम दे रहा है या नहीं दे रहा, फिर उसके बाद आपने जाना है टेस्ट पे। क्रॉस वैलिडेशन सारे पॉलिनोमियल्स के लिए होगा, लेट्स वी गेट मिनिमम क्रॉस वैलिडेशन एरर ऑन पॉलिनोमियल ऑर्डर 4, सो हमने जो है क्रॉस वैलिडेशन हमें मिला ऑन ऑर्डर 4 फॉर एग्जांपल, तो फिर हमने उसको देखना है कि टेस्ट पर कैसे वो जनरलाइज कर रहा है, ये हमें सारा करना पड़ेगा क्रॉस वैलिडेशन का, ठीक है ना। ये ऑब्वियसली वो होगा तो हम टेस्ट पे जा पाएंगे, टेस्ट में फिर उसके अगेंस्ट देखना होगा। ये जरा देखें इसमें, ये कर्व अभी आएगा, इससे हमें बहुत सी चीजें, ये आप ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि हाई बायस क्या होता है, हमने किया है ना, ठीक है, हाई वेरिएंस। अच्छा, तो हमारे पास हमने शायद ये चीज भी देखी थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं ट्रेनिंग एरर और क्रॉस वैलिडेशन एरर, क्योंकि हमें यही दोनों का कंपैरिजन करना है ना, मतलब अगर आप कुछ जगह पे आपको टेस्ट भी नजर आएगा, यहाँ पे टेस्ट कभी आप कर सकते हैं। सो आप देखिए कि हमारे पास फॉर एग्जांपल जब इस तरह की सिचुएशन हो, जो लेफ्ट में आपको ये या अंडर फिटिंग हो सकती है या ओवर फिटिंग हो सकती है, अंडर फिटिंग होगी तो आपके पास क्या होगा कि जब आप डेटा को ट्रेन करते हैं, अगर इसको हम देखें ना, ये सैंपल्स है, इस पे आपने ट्रेन किया और आपको एक ये लाइन मिल गई, ये लाइन मिली आपको जो सब सैंपल के करीब करीब से गुजर रही है और सबसे जो बेहतर लाइन है वो ये है, लेकिन अगर हम देखें तो एरर इसमें काफी ज्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, जितने जितना ये ऑब्वियसली जितना ये ऑर्डर वन है तो एरर ज्यादा होगा, तो आप देख रहे हैं कि ग्रीन वाले को देखिए ट्रेनिंग एरर है, ट्रेनिंग एरर आपको जो है काफी ज्यादा मिलेगा, इससे कम ये होगा ही, मतलब अगर हम ये कहें कि वन डिग्री पॉलिनोमियल यहाँ पे वन है और वन के अगेंस्ट ये वैल्यू है तो इससे कम आपको एरर मिल ही नहीं सकता। जब आप सेकंड ऑर्डर पे जाओगे तो इधर जो है आपको थोड़ा सा जो है इसकी जो शेप है वो थोड़ी बदल जाएगी और इसकी शेप शायद कुछ यू हो जाए, तो फिर ये एरर जो है, पहले ये वन पे ये था वन, फॉर एग्जाम्पल टू पे थोड़ा कम हो गया, हो जाएगा ना, फिर थ्री पे और कम हो जाएगा,
ठीक है, थ्री पे शायद ये यू, फोर पे और कम हो जाएगा, लेकिन जितना मैं हायर ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल पे जाऊंगा तो इश्यू क्या आएगा कि मैं मूव करूंगा ओवरफिटिंग की तरफ, कुछ यू शायद। तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगा कि मेरे पास इधर जे ट्रेन जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा, सब सैंपल्स भी कम है और मेरे पास हायर ऑर्डर पे भी मैं हूं, तो मेरे पास ये काफी ज्यादा हो जाएगा, एरर कम हो जाएगा। लेकिन इशू पता है क्या आएगा, इशू जब आप इसको क्रॉस वैलिडेशन सेट जो है ना आपका, वहां पे आप जो है जो पैरामीटर आपको मिल गए, फॉर एग्जाम्पल थी इसको मैं वेक्टर ले लेता हूँ, ठीक है जी, इसमें आपके पास सारे पैरामीटर वो आपको एक बार मिल गए, जब आप उसको यूज करेंगे क्रॉस वैलिडेशन तो आप देखेंगे कि आपके पास फॉर अंडर फिट सिचुएशन यू विल अगेन गेट द सेम too much higher, and for the overfit scenario you will also get too much higher. ठीक है जी, so हम कहते हैं कि ये last time शायद मैंने बताया भी था कि this इसको कहते हैं high bias, जहाँ पे ये दोनों एक में कम हो, train में कम हो और cross validation या test set में आपके पास ज्यादा हो error, so you call it high variance. ठीक है जी, and you need to be somewhere here, जहां पे ये दोनों मिनिमम हो। ठीक है जी, मतलब ये इससे इधर ट्रेन में आपको इससे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो आपके क्रॉस वैलिडेशन है उसके मिनिमम पे आपने जाना है। हमने कहा ना कि हमने सबसे पहले जे ट्रेन फाइंड किया कि सबसे कम कौन सा वाला है जे ट्रेन, ठीक है जी, जे ट्रेन, और जब जो सबसे मिनिमम था उस पे हमने उसके पैरामीटर्स उठाए, हमें पता लग गया, ठीक है जी, फिर हमने जे क्रॉस वैलिडेशन फाइंड किए, ठीक है, इनके पैरामीटर्स उठाए और हमने कहा कि जरा मैं देख लूं कि इसमें मेरे पास क्रॉस वैलिडेशन इधर क्या वैल्यू मिलती है इन पैरामीटर्स को यूज करके, तो अब मुझे ये सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, ये इसके पैरामीटर्स और वो पैरामीटर्स यूज किए यहाँ पे और ये मुझे क्रॉस वैलिडेशन का आंसर मिल गया। फिर नेक्स्ट जो सेकंड ऑर्डर है उसका मैंने चेक किया, उसका क्रॉस वैलिडेशन चेक किया, अब इनमें से एक कंडीशन इस तरह होगी कि जिसमें ट्रेन की वैल्यू जो है वो जरूरी नहीं है कि मिनिमम हो, लेकिन इनमें से वैल्यू मिनिमम एक मुझे मिल जाएगी, सबसे मिनिमम फॉर एग्जाम्पल ये वाली है, तो मैं वही पैरामीटर्स फिर यूज करूंगा और इसको मैं चेक करूंगा ऑन अ टेस्ट, जे टेस्ट आया इट इज गिविंग मी द आल्सो स्मॉल एरर कंपैरेटिवली और नॉट, इफ इट इज गिविंग मी द स्मॉल एरर सो आई विल से कि दीस आर माय पैरामीटर्स नाउ, कोई समझ आ रही बात ये है, जाग रहे हैं, हाँ जा सकते हैं, किसी को बता दें कि मेरे मुझे याद दिला दे जब आपका रोल नंबर पुकारा जाए, अच्छा जी, हाँ जल्दी कब जाना चाहते हैं, है तो ये जो खत्म करना है हमने एग्जाम में खुद कर लोगे, अगर खुद कर सकते हो तो मैं बस अभी छोड़ने को तैयार हूँ, हैं हैं, हाँ मिनट में ये स्लाइड एंड तक कही, लेकिन स्लाइड कोई मुश्किल नहीं, ये ऑलरेडी आपने की हुई है ये चीज़ें, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं चाह रहा हूँ कि आपको, मतलब हम डायग्नोस्टिक्स की तरफ जा रहे हैं ना कि मतलब जो चीज़ें आपको पता है उसकी मदद से कैसे डायग्नोज किया जा सकता है कि मॉडल आपका कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं, या उसमें क्या बेहतरी लाई जा सकती है, कहाँ पर मसला है एग्जैक्टली, ठीक है जी, हाँ लेकिन वो पैरामीटर को ट्यून कैसे करोगे, पैरामीटर को ट्यून करने के लिए ट्रेन चाहिए, ट्रेन करने के बाद आप वो करते हो ना, ठीक है ना, वही पैरामीटर यूज करते हो, अच्छा जी नेक्स्ट डायग्नोजिंग बायस वर्सेस वेरिएंस में हमारे पास आ जाता है ये, बस ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, विल बी हाई बायस अंडरफिट
जे ट्रेन विल बी हाई, ठीक है जी। हाँ अच्छा जी, अब लीनियर रिग्रेशन विद रेगुलराइजेशन। अब रेगुलराइजेशन का टर्म अगर यूज करते हैं, इस अभी इससे पहले हमने कहीं पे नहीं देखा कि हमने रेगुलराइजेशन यूज की। हमने कहा कि आपके पास रेगुलराइजेशन के बगैर कॉस्ट फंक्शन आपने सारे देखे, उसमें रेगुलराइजेशन टर्म नहीं था, देखा ना। इस तरह रेगुलराइजेशन कब यूज करते हैं? ओवरफिटिंग को, ठीक है। अभी इससे पहले हमने डायग्नोस्टिक किया फॉर ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल, अब हम डायग्नोस्टिक्स कर रहे हैं फॉर फॉर द सिलेक्शन ऑफ हाइपर पैरामीटर लैम्डा, ठीक है, कि इसको किस तरह चूज किया जाए, क्या वैल्यू मैं इसकी रखूं, मुझे कैसे पता लगेगा। अच्छा, इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस ना कि आप जब भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करें, जो भी काम कर रहे हैं, मेरा मशवरा यह है कि आप लोग इस तरह के प्लॉट्स जनरेट किया करें अपने लिए, कि आप कोड कर रहे हैं तो जरा देखें तो कि क्या कैसे। तो इधर आपको बड़ा अच्छा आइडिया हो सकता है कि हाँ, मुझे लग रहा है कि ये सबसे बेहतर है, प्लॉट प्लॉट करके मुझे नजर आ रहा है चीज, तो मैं क्या करूंगा कि मेरी काम बड़ा आसान हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट जो है ना ये ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल देखूंगा और ये मैं अपने लिए चूज कर लूंगा, हाँ ये ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल इज द बेस्ट इक्वेशन दैट आई कैन हैव फॉर माय मॉडल, इस ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल को मुझे रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हाइपर पैरामीटर्स की तरफ आते हैं। हाइपर पैरामीटर में जो हमारे पास रेगुलराइजेशन का पैरामीटर है, ये क्या होना चाहिए, मतलब इसका लैम्डा क्या होना चाहिए, ठीक है जी। सो यू नो द इक्वेशन राइट, ये कॉस्ट की इक्वेशन तो पता है ना, जब विद विद रेगुलराइजेशन टर्म। अच्छा, अब हमें पता है कि रेगुलराइजेशन के लैम्डा की वैल्यू का असर क्या होता है, ये भी हमें पता है कि लैम्डा की वैल्यू जितनी जो है बड़ी होगी तो आपके पास सारे जो है उसको उसका इफेक्ट खत्म कर देगा, पैरामीटर्स को जीरो कर देगा, तो आपके पास वही पुराना कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा जो इससे पहले आप पढ़ रहे थे, और कोई आपने रेगुलराइजेशन नहीं की और ओवरफिटिंग का ओवरफिटिंग मिला, ठीक है। So, अब इसको कैसे चूज किया जाए, तो इसको आपने ऐसे चूज करना है कि आपने सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो आपके पास रेगुलराइजेशन टर्म होगा ये आपके पास होगा ट्रेनिंग डेटा में, ट्रेनिंग सेट में, ठीक है जी। ट्रेनिंग सेट में आप इसको यूज करोगे और जब इसको यूज कर लोगे फॉर और इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, जिस तरह इससे पहले हमने किया कि ऑर्डर ऑफ पॉलिनोमियल है, इधर अभी आप इधर आ जाएंगे 1, 2, 3 में आ जाएगा वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा आपने रखी फॉर एग्जांपल 0.002, बढ़ाते जाओ, ठीक है जी, फॉर सर्टेन वैल्यूज, ठीक है। ये किया और फिर आप जरा देखें कि इसका असर, इससे आपको जब ये आपने यूज किया तो आपके पैरामीटर्स ट्यून हो गए, थीटा नॉट, थीटा वन, थीटा टू, जो भी है वो सारे ट्यून हो गए। जब वो सारे ट्यून्ड हो गए आपके पास, तो अब आप ऐसे करो कि आप वो ट्यून कैसे हो गए, ट्यून ऑब्वियसली जब आपको जे ट्रेन की वैल्यू जो है किस पे मिनिमम मिल रही है वो मिला, इसके बाद आप उसको उसी पैरामीटर्स की वैल्यू को यूज करके क्रॉस वैलिडेशन को फाइंड कर लोगे, लेकिन क्रॉस वैलिडेशन में रिमेंबर यू विल नॉट बी यूजिंग द क्या कहते हैं द रेगुलराइजेशन टर्म, ठीक है जी, उसमें नहीं होगा, टेस्ट में नहीं होगा, आप सिर्फ जो है इनिशियली कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप उसमें रेगुलराइजेशन टर्म को यूज करोगे, इसके अलावा नहीं। So try lambda is equal to 0, फिर lambda is equal to 0.001 and फिर multiply by 2 करते जाओ, you will reach to some point, ठीक है। तो आप इस तरह इसको करें और find out कि which one of these is going to give you the low value of cost function for J train and subsequently for J cross validation and then J test, ठीक है जी। और हाँ, रिटर्न क्यों करना है, कोड में करना है ना, रिटर्न कौन करता है, रिटर्न तो आपको सिर्फ चेक करने के लिए आपको समझ आ रही है।
ये सारा कोड पर हाँ एक आइट्रेशन दे रही है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता कि हम भी पागल ये कौन करेगा, तो कंप्यूटर का काम है ना, मशीन लर्निंग है ना, ह्यूमन लर्निंग तो नहीं है ना कि आपको समझाए कि हो गया ना। अच्छा सो एनीवे फिर मैं कहूंगा कि ग्राफिकली इसको एनालाइज करें, कैसे एनालाइज करेंगे आप मुझे जरा बताएं कि आपके पास अगर लैम्डा की वैल्यू बहुत छोटी है तो आपके ख्याल से आप मुझे बताओगे आपको जो कॉस्ट फंक्शन है ट्रेन का, जे ट्रेन की बात करो, सो जे ट्रेन की वैल्यू मिनिमम आएगी मैक्सिमम आएगी, मिनिमम आएगी जब देखिए जब लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है जी, इट मींस कि आप यू आर निगलेक्टिंग द टर्म इन विच यू हैव लैम्डा रेगुलराइजेशन, ये किया तो इससे पहले का टर्म वो वैसे का वैसा ही रहा, इसमें कोई रेगुलराइजेशन नहीं थी, ओवरफिटिंग था तो ओवरफिटिंग भी रहा, ठीक है, तो आपके पास यू गेट अ वेरी स्मॉल एरर, ओवरफिटिंग एरर कम आता है, लेकिन जब आप उसको ट्रेन जब वो जे ट्रेन या उससे जे क्रॉस वैलिडेशन सॉरी जे ट्रेन क्या क्रॉस वैलिडेशन एरर फाइंड करेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि ओवरफिटिंग हमें यही कहता है ना कि क्रॉस वैलिडेशन या टेस्ट जो आपके पास सेट होता है उसमें ज्यादा एरर होता है और उसमें कम होता है दूसरे, सो ये इस तरह का तो इसकी कर्व आपको यूं मिलेगी, जैसे ही इसकी वैल्यू बढ़ाओगे ना ट्रेनिंग डेटा में तो ये बढ़ती जाएगी क्योंकि आप ओवरफिटिंग को ये खत्म कर, ठीक है, एक स्टेज आएगा कि जब आपके पास लैम्डा की वैल्यू सॉरी जे ट्रेन और जे क्रॉस वैलिडेशन या क्रॉस वैलिडेशन एरर ये दोनों आपको काफी ज्यादा मिलेगी, तो हमें पता लग गया कि अभी हमने लैम्डा की वैल्यू बहुत ज्यादा रख दी है और बहुत ज्यादा रखने से नुकसान ये हुआ है कि उसके सारे जो पैरामीटर थे थीटा 1 x 1 फॉर एग्जांपल हमारी इक्वेशन, ठीक है, इन सब को इसने जो है ना इसको नलीफाई कर दिया, हमारे पास सिर्फ ये आ गया, तो आपके पास काफी ज्यादा एरर आ गया, तो दैट्स व्हाई वी सी हियर दैट दीस बोथ कर्व्स आर मीटिंग देयर, सो अगर इसको हम मैं ग्राफिकली एनालाइज करूंगा सो व्हिच पॉइंट शुड आई चूज, आई चूज समवेयर हियर इफ यू लुक एट द बॉटम ऑफ क्रॉस वैलिडेशन एरर और उस पे क्योंकि ये दोनों जो है और इधर मैं नीचे आ जाऊंगा और यहां पे देख लूंगा व्हाट लैम्डा शुड आई चूज, सो इफ एनीवन इज डूइंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट और वो अगर चाहता है कि देखें कि ओवरऑल रेगुलराइजेशन यूज कर रहे हो आप लोग तो गो फॉर दिस काइंड ऑफ प्लॉट, यू कैन इजीली चूज के क्या आप चूज कर सकते हैं ये खुद कर लेना बस मेरी भी हिम्मत, ठीक है जी, ठीक है जी, चले जी इसको भी देख लेते हैं ये। अच्छा देखें अब बात आ गई, पहले हमने क्या किया पॉलिनोमियल पे कि नंबर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बढ़ाने से कि क्या होगा, अब हम बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ सैंपल्स, हमने कहा ना कि गली वाले फिरू और फॉर एग्जांपल फिर मैं रेट्स लेना शुरू कर दूं कि घर कितने का लिया है कितने का बेच रहे हो एंड सो ऑन, सो ये सैंपल कलेक्शन है डेटा कलेक्शन, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं देखूँ कि आया बढ़ाने से डेटा सेट को बढ़ाने से नंबर ऑफ सैंपल्स को बढ़ाने से क्या असर पड़ता है, एक सैंपल था आपने क्या किया कि और आपके पास डी ऑर्डर ऑफ पॉलीनोमियल आपने सेकंड ऑर्डर चूज किया तो वो 100% कॉस्ट बिल्कुल काम होगा क्योंकि इससे गुजर जाएगा, दो सैंपल हो गए तकरीबन कॉस्ट इससे कम हो जाएगी इससे थोड़ी ज्यादा होगी लेकिन जो है ये भी बहुत कम होगी, फिर तीन सैंपल हो गए दो से तीन हो गए तीन से चार चार से पांच से छह, जितने नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ रहे हैं तो मेरे पास जो है आहिस्ता आहिस्ता एरर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, नजर आ रहा है आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कर्व से हम जो है हर हर जो ये जो लाइन है मेरी ये हर सैंपल से नहीं गुजर पा रहा है बिकॉज मेरे पास आई एम लिमिटेड टू सेकंड ऑर्डर पॉलीनोमियल, अब जो सिनेरियो ये है तो
तो अब जब आप इसको ट्रेन करेंगे यू विल सी के द कॉस्ट विल बी जीरो एंड एज द नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेट योर डेटा सेट इंक्रीजेस सो यू विल सी के यू विल हैव अ ग्रोथ इन एरर ठीक है एरर बढ़ेगा बट इन क्रॉस वैलिडेशन उसमें क्या होगा आपके पास आपने ये किया क्रॉस वैलिडेशन में क्या होगा आपका एक सैंपल फॉर एग्जांपल आपका भी फेल ये बना एक सैंपल इधर उनके बिल्कुल जीरो एरर कोई एरर नहीं है ठीक है जी एरर वैल्यू जीरो एक नया सैंपल आप जो इसको नहीं पता मॉडल तो ये ट्रेन हुआ ये काला जो आपको ये कर्व नजर आ रहा है आपने क्या किया एक नया सैंपल आ गया जो फॉर एग्जाम्पल ये वाला है ये कहीं यहाँ पे आ गया या कोई ये वाला सैंपल आ गया यहाँ ये आपने क्रॉस वैलिडेशन में रखा हुआ है कि इसको मैं टेस्ट करूंगा ठीक है जी सो आप देखेंगे कि द एरर विल बी टू मच ठीक है जी लेकिन जितना आप अब ये दो है इस तरह कुछ कर्व बन रही है एक सैंपल फॉर एग्जांपल इधर कहीं आ गया अब ये एरर शायद कंपैरेटिवली उससे कम हो फिर इधर सैंपल आ गया कहीं पर बीच में अब यहाँ पे एरर कंपैरेटिवली इन दो से और भी कम होगा कुछ समझ आ रही क्यों एरर कम हो रहा है क्यों कम हो रहा है तो आप देखेंगे कि शुरू में एरर बहुत ज्यादा होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता ही कम होता जाएगा ठीक है नहीं ना स्कैटर्ड हाँ स्कैटर्ड के लिए फिर वो आपने देखना है ना ये तो हम इस तरह का डेटा सेट होगा जिसका बिहेवियर हमें कुछ पता तो लग रहा होगा कि इस तरह हो स्कैटर्ड हो तो फिर तो मॉडल ही डिफरेंट हो गया ना फिर आपने एल्गोरिदम भी चूज करना है उस तरह का कि जो स्कैटर्ड डेटा सेट्स को डील करे अच्छा जी अब इसमें हाई बायस और हाई वेरियंस जो है ये आप लोगों ने मैंने ये समझा दिया इससे पहले वाला कि ये क्या बिहेवियर है सैंपल्स के बढ़ाने से आपने अब देखना है कि सैंपल्स के बढ़ने से या डेटा सेट के बढ़ने से एरर में बायस और वेरिएंस पे क्या फर्क पड़ता है ठीक है ये घर जाके देखिएगा और बस मेरे ख्याल से और इसमें कुछ नहीं है ऑलराइट थैंक यू